हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियांश सौरभ। बिहार विधानमंडल में बजट सत्र चल रहा, ऐसे में विधानसभा में आज का दिन विपक्ष के लिए बेहद खास था, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के सामने सरकार पक्ष को जमकर खरी खोटी सुनाई और तमाम जो कमियां है उसको गिनाया है। बिहार में बढ़ते क्राइम और भ्रष्टाचार और तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार पर प्रहार कर रहे थे तेजस्वी यादव। वहीं जब वो बीते 15 साल के क्राइम ग्राफ को लेकर जिक्र कर रहे थे तो उसको लेकर सत्ता पक्ष पे एक बड़ा प्रहार किया है। सत्ता पक्ष के नेता ने सीधे तौर पे कह दिया है कि लगता है तेजस्वी यादव का स्क्रिप्ट किसी ने बदल दिया है, वो सुशील कुमार मोदी की भाषा बोलने लगे हैं। बिहार सरकार में पूर्व मंत्री रह चुके हैं नंद किशोर यादव, उन्होंने तेजस्वी यादव को लेकर क्या कुछ कहा आप सुनिए। एक नेता है और बाकी जो ताली बजाने वाले लोग हैं। यहाँ हमारे पार्टी का जो समय है उसमें चार वक्ता है, चार बोलने वाले लोग हैं, इसलिए उनके जब वो कह रहे थे तो हम लोग शांत इसलिए थे कि हम लोग को लग रहा था कि नेता प्रतिपक्ष ने अपना स्क्रिप्ट कहीं से बदल लिया है, और जो खोल रहे होंगे कागज तो सुशील मोदी का भाषण उन्होंने खोल लिया है, वही वो बोल गए, इसलिए हम सुन रहे थे उनको। तो महोदय बहुत ध्यान आ रहा, सुशील मोदी के भाषण को पढ़ के वो बोल रहे थे, स्वाभाविक है, अपने 15 साल के कार्यक्रम में क्या क्या हुआ था वही बखान कर रहे थे। अध्यक्ष महोदय 2090 से लेकर के 2005 के दिनों में तो आपने देखा किस तरीके से नंद किशोर यादव, जो कि सदन में उन्होंने तेजस्वी यादव पर जोरदार प्रहार किया और सीधे तौर पे कहा कि लगता है तेजस्वी यादव का स्क्रिप्ट किसी ने बदल दिया है, वो सुशील कुमार मोदी का भाषण पढ़ रहे थे, उनका लिखा भाषण पढ़ रहे थे, वो दरअसल सत्ता पक्ष को सुनाने के बजाय अपने दौर के जो उनके माता पिता के जमाने में जब उनके पिता और उनकी माता की सरकार थी बिहार में, उस वक्त जिस तरीके से क्राइम बढ़ा था उस चीज का वो जिक्र कर रहे थे। तो नंद किशोर यादव ने एक जोरदार प्रहार किया है। आज तेजस्वी यादव ने तमाम मुद्दों को लेकर नीतीश कुमार को घेरा है, साथ ही साथ कई मंत्रियों को भी लपेटे में लिया। हेडलाइंस बिहार के साथ, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब कर ले।